के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बीजेपी एमएलए अजय विश्नोई ने ट्वीट किया है। तो अजय विश्नोई ने ट्वीट किया है और अजय विश्नोई ने इस ट्वीट में मेनका गांधी पर निशाना साधने का काम किया है। डॉक्टर विकास शर्मा से बातचीत के तरीके पर नाराजगी उन्होंने जताई है। मेनका गांधी मेरी पार्टी की सांसद है, नेता नहीं। तो ये ट्वीट इस बीच सामने आया है, मैं शर्मिंदा हूं कि ये मेरी पार्टी की सांसद है। तो देखिए जिस तरीके से मेनका गांधी ने हाल फिलहाल में अभी एक वेटनरी डॉक्टर से जब उन्होंने बातचीत की थी और उसके बाद से जो विवाद तूल पकड़ता चला गया था, पशु चिकित्सक से एक तरीके से एक ऑडियो भी वायरल हो गया था। तो बीजेपी विधायक विश्नोई ने मेनका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मेनका मेरी पार्टी की सांसद है, नेता नहीं। दरअसल उन्होंने ट्वीट कर विगत दिवस सांसद मेनका गांधी के पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा से बातचीत के तरीके पर नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा कि मैं शर्मिंदा हूं कि ये मेरी पार्टी की सांसद हैं। तो अब उन्हीं के पार्टी से उनके लोगों के खिलाफ ही अब ये ट्वीट आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मेनका गांधी के पार्टी के जो लोग हैं अब उनके खिलाफ ही खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले हमने ये भी देखा कि कैसे पशु चिकित्सक जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था और ये मांग रखी गई थी कि मेनका गांधी माफी मांगे, क्योंकि मेनका गांधी का एक ऑडियो वायरल हो गया था और उसमें वो पशु चिकित्सक से गाली गलौज इस्तेमाल करते हुए सुनी गई थी और बहुत ही अजीब तरीके का उनका यह ऑडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर के कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए थे कि क्या ये एक सही तरीका है किसी डॉक्टर से बातचीत करने का। वहीं मेनका गांधी की तरफ से भी तमाम बातें रखी गई, बीजेपी वालों की तरफ से भी बातें रखी गई कि अगर कोई डॉक्टर को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि अगर वो किसी मेडिसिन का नाम भी गलत ले रहा है, दवाइयों का नाम सही तरीके से नहीं ले पा रहा है, तो वो इलाज कैसे करेगा। तो उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे और बीजेपी विधायक इसी पर अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत है अजय विश्नोई जी। जी नमस्कार जी। अजय विश्नोई जी, आपने जो ट्वीट किया है और आपने मेनका गांधी के उस ऑडियो को लेकर के नाराजगी जाहिर की है, तो किस प्रकार से नाराजगी आप जताना चाह रहे हैं? पहली बात तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और न करना चाहिए। फिर खासतौर से किसी महिला के मुंह से इस तरीके की भाषा सुनने का आदि हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने उस व्यक्ति के साथ साथ हमारी उस संस्था को भी गाली दे दी जो संस्था को हम अपनी माँ समझते हैं, माँ मानते हैं जी। तो इसके कारण ये प्रतिक्रिया उसको देना पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अजय जी क्या आपको नहीं लगता कि आपके इस ट्वीट के बाद से सियासी संग्राम भी छिड़ सकता है? क्या आप पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर सकती है कि अपनी पार्टी के लोग तो इस तरीके से सामने आकर के ट्वीट कर रहे हैं? क्यों हमारे हमारे पार्टी का कोई व्यक्ति, अब हम उसको नेता तो मानते नहीं, हमने स्पष्ट किया है वो हमारी नेता तो है नहीं, सांसद जरूर है हमारी पार्टी की। तो क्या हमारे पार्टी के सांसद को ये छूट है कि वो किसी को भी गाली दे सकता है? यानी आप मानते हैं कि मेनका गांधी जी से गलती हुई है, तो पशु चिकित्सकों की एक और मांग भी है कि वो माफी मांगे, तो क्या आप भी यही मांग रखते हैं कि मेनका गांधी जी को सामने आकर के पशु चिकित्सकों से माफी मांगनी चाहिए? इस तरीके का व्यवहार का प्रदर्शन मेनका जी ने किया है जी, मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो माफी मांगे। ठीक, और लेकिन और जिनको मैं जितने वर्षों से उनको जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ कि वो अड़ियल स्वभाव की है, वो गलती मान भी लेंगी, गलती किया है तो माफी नहीं मांगेंगी। पर उनको माफी मांगने सलाह इसको ये मेरे उनको यही दूंगा कि उनको इस गलती के लिए माफी मांग लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अजय जी सवाल यहाँ ये भी है कि मेनका जी का भी यही मानना था कि अगर कोई डॉक्टर दवाइयों के नाम उचित तरीके से नहीं ले पा रहा है, वो सही से नाम नहीं अगर बता पा रहा है, तो पता नहीं, मैंने जो ऑडियो सुना है, जी, उसमें इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं है कि कोई दवा के नाम पर लेकर बहस की गई है। ठीक है, लेकिन सर उस ऑडियो को सुन लीजिए, कोई भी बहस। अजय जी, ऑडियो मैंने भी सुना है, लेकिन जब ये बातचीत सामने आई थी, उन्होंने एक अखबार से भी बातचीत करते हुए इसी तरीके का बात अपना सामने रखा था और ये कहा था स्पष्ट तरीके से कि अगर बात यही हो जाती है कि अगर कोई भी डॉक्टर सही तरीके से दवाइयों के नाम नहीं ले पाता, तो सवाल ये खड़े होते हैं कि वो इलाज कैसे करेगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि आज आपका ये ट्वीट सामने आया, इसके बाद आप किस तरीके का कदम उठाने वाले ताकि माफी मांगे? मेरा ट्वीट सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां तक मेनका जी के शब्दों को मैंने सुना है और मेनका जी का जो संवाद हुआ है डॉक्टर के साथ उसको सुना है। डॉक्टर ने मेडिसिन का नाम सही लिया या गलत लिया मैंने नहीं सुना है, इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक,
चलिए, बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू।